वंस अगेन. हाय, थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आर्यन और शाहरुख खान का अभी जिस तरीके से चल रहा है न्यूज में, अभी फिलहाल जो है अभी तक आर्यन को बेल नहीं मिली. आज फिर एनसीबी ने जो है आर्यन को 7 तारीख तक हिरासत में लिया. तो क्या कुछ कहता है आर्यन का और शाहरुख खान का, डेफिनेटली क्योंकि नाम उनसे जुड़ा है तो उनका फ्यूचर, उनका नंबर्स, उनकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? सबसे पहले तो हम आर्यन की बात करते हैं. उससे आर्यन की बात करने से पहले मैं उन सब लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ वो बहुत पेरेंटिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं शाहरुख खान की. मुझे एक चीज बतानी है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, कोई भी पेरेंट इस दुनिया में ये नहीं चाहता कि उनके बच्चा कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से वो ऐसी प्रॉब्लम में फंसे. इसलिए प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि चाहे आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, आप कभी भी चाहोगे कि आपके बच्चे इस तरह की सिचुएशन में पड़े. गलती से अपने लिए भी नहीं चाहते और दूसरों के बच्चों के लिए भी नहीं चाहते हैं. सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज इट इज समटाइम यू नो डिसहार्टनिंग टू सी ऑल दीज काइंड ऑफ कमेंट्स ऑन पीपल. आई अंडरस्टैंड कि हम सेलिब्रिटीज को बहुत आइडियलाइज करते हैं, लोग उनको बहुत एक अलग जगह पे बिठाते हैं, अलग दर्जा देते हैं, बट वो भी हमने ही दर्जा दिया है. तो अगर कुछ भगवान, अगर हम भगवान को पूछते हैं तो अगर भगवान हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हम भगवान को कर्स नहीं करना शुरू कर देते, राइट? सो इसलिए प्लीज मेंटेन द लव एंड डिग्निटी ऑफ पीपल एंड देमसेल्फ ऑल्सो. एनीवे, सो लेट्स गेट कम टू आर्यन्स नंबर. आर्यन का जो नंबर है वो 13 नवंबर 1997 है उसका डेट ऑफ बर्थ. 13 जो होता है वो 4 आता है, 4 राहु का नंबर है. राहु ही जो रीजन होता है लाइम लाइट में भी लेके आता है आपको. राहु इज द प्रोमिनेंट नंबर ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो, बट कभी कभी राहु नेगेटिव चीजों में भी आपको इन्वॉल्व करवा देता है. नेगेटिव चीजों में भी आप नाम बहुत इजीली यू नो हो करा देते हैं. तो वो ही उनके साथ भी हो रहा है. 13 जो नंबर है वो कार्मिक नंबर भी माना जाता है. जो पास्ट से कुछ तुम्हारे कनेक्शन रहते हैं पास्ट लाइफ से, वो भी तुम्हें इसी लाइफ में उसका भी फल मिलता है. तो और उनके नंबर में जो शुक्र की पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, 6 जिसको बोलते हैं. तो 6 और 4 जब आता है तो वो आपको ये सब जो चीजें होती है ना, ऐसी नेगेटिविटी की चीजें, उसकी तरफ ज्यादा यू नो इंक्लाइंड कर देता है. आप उस टाइम वल्नरेबल हो जाते हो उस उन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हो. एक जैसे होता है ना कि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं कि जब कोविड में इम्यूनिटी की बहुत हमने बात करी, तो अब अगर हम बोले कि 4 और 6 की पावर जब आपकी लाइफ में आ जाती है तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है टुवर्ड्स सेइंग नो टू ऑल दीज थिंग्स. ओके. एंड दूसरी तरफ डेफिनेटली उनका करियर अभी बनने ही वाला था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले, अगर कुछ महीने पहले की बात करूं तो न्यूज में आ रहा था कि आर्यन अपने पिता के साथ शूट पे जा रहे हैं, वो उनको सीख रहे हैं. ही इज फॉलोइंग, ही इज वॉचिंग, ही इज ऑब्जर्विंग. सो उनका भी कुछ है, डेब्यू आने का चांसेस है. शाहरुख उनको गाइड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और वो यशराज स्टूडियो भी कई बार पहुंचे थे. सो ये था कि वो कुछ बॉलीवुड में कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ये न्यूज आई है. तो इसके बाद क्या लगता है उनका बॉलीवुड करियर जो है, क्या अगर वो फिल्म अभी लेके आएंगे तो लोग जाएंगे देखना? बिकॉज स्टार्टिंग में आते ही जो बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है, सो शायद से लोग अवॉइड भी करें, क्योंकि एक कहते हैं ना, मतलब नेगेटिव चीज है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो लोग शायद से उतना ना फॉलो करें, एडमायर करें जितना शाहरुख को करते हैं. सो क्या लगता है आपको कि उनका फिल्म जो है अब उनका आना चाहिए या फिलहाल थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ये चीजें जो है कम हो जाए, उसके बाद आराम से उनको रिलीज करनी चाहिए? नहीं देखिए, अभी एकदम से तो उनकी मूवी आ भी नहीं रही होगी मुझे नहीं लगता, बिकॉज अभी कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं है. अभी अगर उनके पावर नंबर की बात करें तो अभी जो मंथ उनका चल रहा है वो 7 का नंबर का चल रहा है. तो 7 जब आता है लाइफ में वो आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आता है. वो आपको कोई वो ऐसा टाइम होता है जब आप प्रॉफिट की बात नहीं करते, आपको कुछ नया
अचीव नहीं होता, बट आप सीखते हो जिंदगी में कुछ, या तो स्टडीज में सीखते हो, या लाइफ आपको कुछ ऐसे लेसन सिखाती है जो हमेशा आपके साथ लाइफ लॉन्ग आपको उनको फॉलो करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ अच्छी होती है। तो उनकी लाइफ में जो मंथ की पावर है वो 7 से चल रही है, उनका इनफैक्ट जो वीक भी अब चल रहा है वो 7 का वीक चल रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से उनके लिए, अगर वो किसी भी वजह से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उनके लिए एक लेसन है, उनके लाइफ के लिए एक लेसन है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये उनके लिए लर्निंग लेसन रहेगा। और अभी तो उनकी मूवी जब बनेगी और बाद में स्टार्ट होगी, तब देखना पड़ेगा कि उनके लाइफ में कौन से नंबर्स की पावर चल रही है। और जहाँ तक ऑडियंस की बात है, वो उनकी समहाउ मैंने ये देखा है एक पैटर्न ऑडियंस का, स्पेशली इन इंडिया, कि वो थोड़े टाइम बाद सब भूल जाते हैं। पिछली बार जब अगर बात करें, दीपिका के साथ भी ऐसा ही कुछ सिमिलर लाइंस पे हुआ था, तो उनको भी बहुत ट्रोल किया गया था, मैंने देखे थे बहुत गलत गलत कमेंट उनके लिए किए गए थे। बट देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरीवन बिकेम नॉर्मल, एंड लेट गो करना भी अच्छी बात है, किसी चीज को तुम हमेशा पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो और वैसे भी मुझे लगता है ये जो सब लीगल मैटर होते हैं, यहाँ पे एनसीबी इन्वॉल्व है, दे विल गिव द जजमेंट, व्हाई वी आर सिटिंग एंड जजिंग पीपल अदर्स। करेक्ट। और दूसरी तरफ अगर मैं पूछूं, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि जब उनकी पिक्चर आएगी तो तभी उनके स्टार्स देखने होंगे, लेकिन अगर करंट बात करूं तो उनकी इस हरकत से शाहरुख खान की तो कई फिल्में आ रही हैं। सो क्या लगता है कि वो ट्रोल होंगे, बेटे का गुस्सा लोग जो है पिता पे निकालेंगे, या उनकी मूवीज नहीं चलेगी? क्या लगता है कि इससे शाहरुख को कितना लॉस होने वाला है ये आर्यन की इस हरकत से? देखिए, जो शाहरुख खान का मैंने नंबर्स का एनालिसिस किया था, तो उनका 8 की पर्सनल ईयर चल रहा है, 8 का, ठीक है, उनके बर्थडे का। जो 8 होता है, 8 शनि का नंबर होता है, तो शनि थोड़ी डिफिकल्टीज पैदा करता ही है लाइफ में, किसी ना किसी फॉर्म में। तो शायद ये एक तरीका है शनि का उनको टेस्ट करने का, बिकॉज शनि जो होता है वो आपके कर्म से हिसाब से आपकी पेशेंस ट्राई करता है, फिर आप कैसे उसको डील करते हो उस हिसाब से रिजल्ट देता है। तो आई थिंक इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर हिम ऑल्सो। और नेक्स्ट ईयर जो मंगल का शुरू हो जाएगा, वो थोड़ा सा मंगल जब आता है तो वो थोड़ा सा एनर्जीज देता है, चीजों को स्पीड अप कर देता है। तो बट उनका जो 2 का 2 नंबर है, उनका 2 प्रोमिनेंट है उनके उसमें, तो 2 और 9 की बहुत हार्मनी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से उनका थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना कि ना ज्यादा लॉस ना ज्यादा प्रॉफिट, एक न्यूट्रल सा ईयर रहा गया। तो उसमें अगर आप उनकी मूवीज रिलीज होने की बात करें, तो हो सकता है कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट्स और फेम एंड एवरीथिंग, वो उतना नहीं मिले, बट उसके बाद फिर उनका टाइम अच्छा है। ओके और दूसरी तरफ अभी जो है आर्यन के, अगर अभी भी वो एनसीबी के कस्टडी में है, 7 तारीख तक उनको एनसीबी रखने वाली है हिरासत में, सो और भी पूछताछ होने वाली है, और भी कई सारे जो है राज खुलेंगे, उनके फोन को भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, उनके फोन से भी कई कनेक्शन निकल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आर्यन के लिए सिर्फ ये एक लेसन जो है वो बहुत बुरा लेसन साबित होने वाला है, कि अभी वो उनका मतलब करियर का मतलब अभी स्टार्ट होने के पहले ये सारी चीजें हो रही है, तो ये और डीप में जाने वाली है कि इसके बाद और कुछ नहीं होगा? क्या क्या उसका जो नंबर है वो क्या कहता है कि अभी ये स्टार्ट है, या ये सिर्फ एक हवा का झोंका था और अब वो कुछ नहीं होगा एंड अब वो निकल जाएंगे इससे? सी, मैं आपको एक बात बताऊं, इन उनके जो नंबर्स है ना, वो इस टाइम पे बहुत फेवरेबल नहीं है। आई डोंट वांट टू कमेंट मोर, बिकॉज मुझे वो वैसी एनर्जीज क्रिएट नहीं करनी है, बट मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि उनके नंबर बहुत ज्यादा फेवरेबल अभी है नहीं। तो हो सकता है कि उनकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए चीजों को, वो एनसीपी के पास 7th तक है, उसके बाद हो सकता है वो रिलीज तो हो जाएंगे, मतलब रिलीज होने में प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ी आए, बट शाहरुख खान है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने बेटे को
वो अब ज्यादा लंबे टाइम तक वहां नहीं रहने देंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। बट हाँ, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज इससे रिलेटेड अब थोड़ा टाइम तक रहेंगे प्रोमिनेंटली, और उनको अफेक्ट भी करेंगे। तो क्योंकि उनके नंबर्स अभी बहुत, उनके नंबर्स वैसे अच्छे हैं क्योंकि तो नवंबर आ रहा है, मास्टर नंबर आता है। बट एक होता है ना, बिकॉज उनके जो नंबर्स मैंने देखे हैं, एक उनका सबसे बड़ा जो नंबर्स का एक वो है, उसको पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, वो दिल से सोचने वाला इंसान है, बहुत इमोशनल पर्सन। तो ऐसे पर्सन को वनरेबिलिटी बढ़ जाती है उनकी चीजों की तरफ। तो क्या लगता है कि आर्यन का जो आने वाला फ्यूचर है, या फिर जब वो यहाँ से निकलेंगे तो वो कितने बदले हुए इंसान रहेंगे, और उसके बाद फिर उनका फ्यूचर आगे क्या कहता है, और कब तक उनका ये जो संकट का घड़ी है, जो उनके नंबर्स उनके फेवरेबल नहीं है, ये कब तक होंगे? लाइक अभी नवरात्रि आ रही है क्या, मतलब ये तभी होगा, दिवाली तक अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर 3 महीने है ये साल खत्म होने के लिए, सो कब तक है आर्यन को बच के रहना पड़ेगा, संभल के रहना पड़ेगा, और उसके बाद उनमें कितना चेंजेस आने वाला है, और उनकी जो ग्रह नक्षत्र है वो क्या कहते हैं, कब वो सब चीजें ठीक होने वाली है, और अभी जो है संकट की घड़ी, या फिर ये जो वक्त चल रहा है आर्यन का बुरा वक्त, ये कितना समय तक रहेगा? जो उनका, अगर आप बोले तो उनके बर्थडे तक तो उनका काफी टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उनका बर्थडे जो 13 नवंबर को आने वाला ही है, नेक्स्ट मंथ, तो तब तक तो उनको बहुत हर चीज बोलना, जो भी वो किसी को बोल रहे हैं या जो भी एक्शन ले रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के, इनफैक्ट अपने फादर की गाइडेंस में उनको करना चाहिए। बिकॉज उनको अगर वो फादर की गाइडेंस फॉलो करेंगे तो वो इस चीज से इजीली बाहर निकल जाएंगे। तो उनको अपने बर्थडे तक तो काफी संभलना पड़ेगा। ओके, और जो चीजें चल रही है इसके बाद, और क्या उनमें बदलाव आने वाला है, मतलब कुछ ग्रो होने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, क्या कुछ लगता है? एवरीवन ग्रोज फ्रॉम एवरी सिचुएशन, और अगर उनके, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ही इज ब्लेस्ड टू हैव अ फादर लाइक शाहरुख खान, बिकॉज वो इतना इंस्पिरेशनल है, सबको बहुत इंस्पायर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो फिल्म इंडस्ट्री से भी नहीं है, वो बाहर से आके उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। तो वो जब उनकी गाइडेंस रहती है उनके साथ, उनको थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट चाहिए। बहुत उनको इमोशंस ज्यादा समझ में आते हैं, बिकॉज वो क्या है, वो सोचते बहुत हैं और उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बिकॉज हिज हार्ट टेक्स ओवर एवरीथिंग। तो वहां पे जाके वो जो गैप है ना, वो उनको कहीं ना कहीं वल्नरेबल कर देता है चीजों को समझने में, या लोगों के इन्फ्लुएंस में आने में। तो अगर यहाँ पे वो फादर उनको अच्छे से, और अच्छे, आई एम श्योर ही मस्ट बी गाइडिंग हिम वेल, बट और अगर अच्छे से रहेंगे करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, एंड जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो है उनके ऊपर संकट के जो है बादल छाए हुए हैं आर्यन के ऊपर, इनफैक्ट पूरे खान फैमिली की बात करो तो कहीं ना कहीं सलमान खान भी काफी शाहरुख को हेल्प कर रहे हैं, उनकी बहन जो है वो शाहरुख के घर स्पॉट हो रही है, वो जा रही है, सलमान कल देर रात गए थे। क्या लगता है कि जो है निकलने के बाद, आर्यन के बाहर आने के बाद, उनका ये जो पूरा बैकग्राउंड है क्या ये क्लियर हो पाएगा, या कहीं ना कहीं ये जो है आगे भी उनके फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर पे भी इसका, वो कहते हैं ना, एक कुछ दाग रहेगा, ये हमेशा जिंदगी पर रहेगा, या जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद सिर्फ उनको ब्राइटनेस ही मिलेगा? जो नंबर्स की अगर बात करते हैं, तो जब ये नंबर्स का साइकिल निकल जाता है तो वो चीजें क्लियर हो ही जाती हैं। बट बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके अपने एक्शंस पे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सब चीजों से ऊपर कर्मा है। अगर आप अपने कर्मास को सही करते रहोगे, टाइम टू टाइम चेक रखते रहोगे, तो चीजें, आप बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, हम रेगुलर लाइफ में भी छोटे बड़े बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ले लेते हैं, सब तो हमारे फेवर में नहीं होते हैं। तो जो
अगेंस्ट होते हैं, अगर हम उनको पकड़ के बैठे रहें और आगे बढ़े नहीं तो फिर कैसे होगा। तो ऐसे ही अगर वो इससे अपना एक लर्निंग लेसन अपना लाइफ का ले और आगे चलें और आगे से बहुत केयरफुल रहें कि उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ मैं इमोशनल हूँ, बट इमोशन में आके आई शुड नॉट गेट कैरिड अवे, आई शुड नॉट बिकम वल्नरेबल दैट पीपल कैन यूज हिम, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनके साथ बहुत बड़ा नाम आता है। सो बहुत सारे लोग गलत तरह से भी करने की कोशिश करते हैं उस नाम। ओके सो जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या कुछ जिस तरीके से हमने देखा है शाहरुख को इतना प्यार मिलता है, लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, क्या आने वाले वक्त में आर्यन खान जो है वो शाहरुख के इस पॉपुलैरिटी को बीट कर पाएंगे? क्या वो, हर इस बाप का सपना होता है कि बेटा उनसे ज्यादा अच्छा हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि आर्यन वो चीज कमा पाएंगे जो शाहरुख ने कमाया है, या वो उनका मतलब जो है जो लेगेसी है उसे मेंटेन कर पाएंगे, या उसे बर्बाद कर देंगे, या उनसे भी बेटर बनेंगे? ये मुझे जानना है कि आखिरकार आने वाला फ्यूचर आर्यन का क्या कहता है। पहली बात तो मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इट्स रियली अनफेयर टू यू नो कंपेयर पीपल। अब सन है तो वो फादर से बेटर करेगा या नहीं, बिकॉज ये होता है टेंडेंसी। जैसे हम देखते हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी हमेशा कंपेयर किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम जो वो पर्सन का पोटेंशियल है उसको नहीं देख पाते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया होता है कि अरे फादर ने ऐसे किया तो। बट बेटा, अभी अमिताभ बच्चन जी का अपना एक ऑरा है, अपना एक पहचान है, और अभिषेक बच्चन की बात करें तो ही इज गुड इन सम अदर थिंग्स, मे बी नॉट द सेम जोनल व्हाट अमिताभ बच्चन जी हैज डन। सो द सेम वे ही विल आल्सो हैव, बिकॉज उनका 4 नंबर है, उनको पॉपुलैरिटी तो रहेगी। हाँ, जो 4 नंबर राहु का वो पॉपुलैरिटी देता है, साथ साथ में कोई कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी आता रहता है, बिकॉज राहु है तो वो अपना कमाल दिखाता ही दिखाता है, तो वो रहेगा। बट हाँ, वो अपने एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे, लोग उनको पसंद भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, और कोई कोई चीजों के लिए वो कंट्रोवर्सी में भी रहेंगे, ये भी फैक्ट है, क्योंकि उनके पास राहु है, राहु दोनों काम करवा के देता है। अच्छा, तो राहु का ये जो दशा है ये कब तक रहेगा उनके लाइफ में, दशा लाइक उनकी दशा नहीं है, उनका नंबर ही राहु का है। 13 नवंबर को पैदा हुए ना वो, बिकॉज हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, मेरे पास उनका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, तो मैं उनका एस्ट्रोलॉजी चार्ट नहीं बना सकती। सो आई हैव सीन हिज न्यूमरोलॉजी चार्ट, तो वो जो 13 है वो पैदा ही 13 नवंबर को हुए हैं, तो वो 4 की पावर तो उनकी लाइफ में रहने ही वाली है हमेशा के लिए, वो उनका खुद ऑलराइट, का। ठीक है, थैंक यू, काफी इंफॉर्मेशन आपने दी है। इसके अलावा अभी 3 ही महीने ये साल के लिए, क्या लगता है आपको कि आने वाला साल कैसे होने वाला है? 2021 तो हम देख ही रहे हैं, 2022 से क्या आपको क्या उम्मीद है और क्या कुछ आप कहना चाहते हो? 2022 आएगा, वो 6th का ईयर होगा। 6th का ईयर अच्छा होता है, वीनस का नंबर है तो वो बहुत सारे प्रॉफिट्स करवाता है। बट यहाँ पे एक चीज संभलने वाली है कि जो 6 आ रहा है वो 222 से आ रहा है, तो 2 बहुत बार आना बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्यों इसमें हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करने पड़ेंगे, एंजाइटीज हो गई या डिप्रेशन होना, वो सब चीजें बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगी सब जगह, तो हमें उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमें फीवर होता है तो हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं ना सबको कि अरे मुझे फीवर हो गया, तो ऐसे ही अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट बार बार आ रही है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा पा रहे हो, तो आप ये भी डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर जरूरत पड़े तो काउंसलर्स के पास जाइए, इसका ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। बट वैसे ओवरऑल अगर देखें तो वो फाइनेंशियली प्रॉफिट्स होंगे, बहुत सारे हम कोलैबोरेशन देखेंगे, बहुत सारी कंपनीज का एक नया फॉर्म हम देखेंगे, और 6 वीनस का नंबर है तो
हमारी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा ये ऑलराइट, तो वेल फिर से लास्टली जाने से पहले अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहते हो? फैंस और व्यूवर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप से प्यार करिए, दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपको भगवान ने एक अलग इंडिविजुअलिटी के साथ पैदा किया है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। आपको किसी का डुप्लीकेट बन के नहीं रहना है, अपने आप को तराश, क्योंकि हीरा भी पत्थर ही होता है जब तक उसको तराशा नहीं जाए। और कंपेयर मत कीजिए, अपनी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। पहले अपने खुद के फॉलोअर बनिए रादर देन हैविंग लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा सबके लिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच नवनिधि जी हमसे बात करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। आप हमेशा इंस्पायर ही करते हो। इट वॉज प्लेजर वंस अगेन टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम।